नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दो तीन दिन पहले मैं शॉपिंग के लिए गई थी और वहाँ से मैं कुछ बड़ी ही प्यारी प्यारी सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स लेकर आई हूँ जो कि 50 रुपये से कम कीमत की हैं। जी हाँ, 50 रुपये से कम कीमत की हैं, वो बात भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ें बड़ी ही यूज़फुल हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब आप सोचोगे ये क्या है। ये है सैनिटाइज़र रखने का। इसमें सैनिटाइज़र मैंने भर भी लिया है, आपको दिखाती हूँ। ये तो सबसे इसकी ख़ासियत कि ये हम पर्स में टांग सकते हैं यहाँ से, और हमें अंदर हाथ डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये बाहर की बाहर हम यूँ खींच सकते हैं। ये पर्स में लटका रह जाएगा और हम इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, है ना, यूज़फुल चीज़। और ये है मात्र 25 रुपये की। ऐसी ही एक और ये बॉटल, ये भी 25 रुपये की है। सैनिटाइज़र रखिए इसमें, या फिर जो घर में आजकल हम लोग बहुत सारे कुछ विटामिन सी के सरम और जो भी कुछ बनाते हैं या घर के ऑयल्स बनाते हैं, तो वो इसमें हम रख सकते हैं। और ये छोटा सा बहुत लाइट वेट है, पर्स में भी इसको डाल सकते हैं। और ये देखिए, मात्र 15 रुपये में मुझे मिले। एक शायद 20 का है इसमें से और एक 15 का है। बड़े कंटेनर में से जब छोटे कंटेनर में शक्कर निकालना है या चावल निकालना है, उसके लिए बहुत यूज़फुल लगा। मैंने करके भी देखा तो बहुत आसानी से इससे हम लेके और अपने छोटे कंटेनर में ये चीज़ों को डाल सकते हैं। तो वाकई में ये बहुत यूज़फुल चीज़ लगी मुझे। वैसे भी खैर, निकालने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं कि हम कटोरी डाल लेते हैं या कड़छी डाल लेते हैं या ग्लास से निकालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एक अच्छा तरीका लगा कि इसमें मेरा अपना हाथ नहीं टच होगा खाने के सामान में, और हम इसे आसानी से पकड़ के और कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये क्लिप्स बहुत यूज़फुल, मेरे ख्याल से कईयों के पास होगी भी, पर शायद कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे, तो आज देख लीजिए। और ये एक ओपन क्लिप मेरे पास रखी है, क्योंकि मैं पहले भी ये ले चुकी हूँ और ये मैं नया पैक कर लेकर आई हूँ। इसमें 2 बड़ी क्लिप्स हैं और 2 ये छोटी हैं, और ये मीडियम साइज़ की, ये 2 स्मॉल हैं। तो ये किस चीज़ के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। या आपने कोई पैकेट खोला नमकीन का, या ये नमकीन बूंदी रखी हुई है, अब आपने थोड़ा सा यूज़ करा और भरने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहा, तो आप इसको ये करके, ये इससे आराम से टाइट करके और रख सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल ये लूज़ नहीं है, इसमें हवा नहीं जाएगी और बिल्कुल ये एयर टाइट रहेगा। तो ये मात्र 40 रुपीज़ की इतनी सारी मुझे मिली, और अच्छी मजबूत है, हाँ मुझे पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे वाकई में यूज़फुल लगी और क्वालिटी वाइज भी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें यदि आपको कभी मिले तो ज़रूर लीजिएगा। एक सबसे प्यारी सी क्यूट सी चीज़ ये देखिए। अब ये क्या चीज़ है, आप सोच रहे होंगे क्या है ये। जी हाँ, ये है, ये देखिए, ये फनल है, तेल भरने के लिए या कोई भी लिक्विड किसी दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र करने के लिए। मेरे ख्याल से तो मेन यूज़ का ऑयल के लिए है। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ इसको, बॉटल में पानी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, राइट, ये पानी भर गया, और अब इसको हमने धोया और धो के, एंड देन ये आसानी से ये फिर अपने शेप में आ गया, और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, टांग भी सकते हैं या किसी के अंदर रख सकते हैं। ये है जिप लॉक बैग, ये 30 रुपये का है और एयर टाइट है। इसमें आप कुछ भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और जगह भी बहुत कम घेरेगा। मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैंने ये मूँगफली भरी हुई है ना, ऐसे ही मैंने ये देखिए, ये छोटे शेप में भी मिलते हैं, तो इसमें मैंने ये अखरोट स्टोर के रखे करके रखा हुआ, क्योंकि कई चीज़ें हमें फ्रिज में ही रखनी होती हैं, बाहर ख़राब हो जाती हैं। तो
ये एक छोटी सी प्यारी सी बास्केट है और ये मैं लाई हूँ, ये छोटी छोटी जो हमारी ये कड़छी चम्मच वगैरह होती हैं ये उसको रखने में बहुत यूज़फुल रहेगी। या बहुत सारी स्पून्स आप डाल दें, पेन होल्डर बना लें या कंघी वगैरह अपनी रख सकते हैं, ब्रश वगैरह आप इसमें हेयर ब्रश वगैरह रख सकते हैं। तो ये मात्र 45 रुपीज़ में और बड़ा प्यारा सा रेड कलर और अच्छा मजबूत प्लास्टिक लगा मुझे, तो मैंने इसलिए ये लिया मात्र 45 में। बुरा सौदा नहीं है मेरे ख्याल से। और ये तो बस ए भाई ऐसे ही उठा कर लाई। ये मोर पंख शेप है और ये है मछली का शेप, आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, ये है पेंस। तो आप गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने पास किचन में रख लें, तो वैसे ही ये रखने में ही बड़ा सुंदर सा लगेगा, है ना। तो ये फिफ्टी रुपीज़ के हैं। और एक सबसे प्यारी सी चीज़ ये है मोबाइल होल्डर। तो किचन में मैं काम करते करते ऐसे गाने सुनती हूँ या कोई वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ कहानियाँ, तो ये मैं हमेशा दीवार से ऐसे रख लेती थी, लेकिन मैं अभी 2 दिन से इसमें रख कर मोबाइल देख रही हूँ। तो मजबूत है, सुंदर है, लेकिन अभी ये जितने आइटम्स आपने देखे ये सब 50 या 50 के अंदर थे, ज़्यादातर 50 के सब नीचे ही थे, लेकिन ये वाला आइटम ये 60 रुपीज़ का मिला मुझे। हो सकता है आपको कहीं ये 50 में भी मिल जाए या और भी कम मिल सकता है। तो कैसा लगा आपको? तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको यूज़फुल भी लगा होगा। और वैसे भी हम लेडीज़ को ये घरेलू छोटे छोटे आइटम्स देखने में बहुत मज़ा आता है और यूज़ करने में, ख़रीदने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में, ज़रूर बताइएगा। चलिए ऐसे ही कोई और वीडियो के साथ मैं जल्दी से आप सभी से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।